बात मानते हैं, चाहे हम कितने बड़े हों, लेकिन गुरु जी के चरणों में आकर के सब नतमस्तक हो जाते हैं और सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने जो गुरु जी का आदेश से मैं पुणे में गया था, जून महीना था, बागमले जी के दर्शन हुए, इनकी विचारधारा सुनी और मैंने पुणे में ही फैसला कर लिया था। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन गुरु जी के प्रति जो शेष जीवन बचा हुआ है उसी लगन से उसी रफ्तार से हम काम करते रहेंगे जो जवानी में करते थे। ये मंदिर अनुसूते धाम का, जैसे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, हम ये मन में सोच चुके हैं गुरु रविदास जी का यहाँ पर संगम मंदिर बनेगा। ये हमने सोच लिया है, ये हमारे भारत के जितने भी अफसर अधिकारी हैं, ये संदेश हमें जा चुका है, अगर अनुसूते धाम में मंदिर बनेगा तो गुरु रविदास जी का संगम मंदिर बनेगा। मैं अब परसों यहाँ पर आया था, मैं 25 तारीख को जब ये केक बन रहा था, गुरु जी का आदेश हुआ कि बनाओ हमारे यहाँ पैसे इसमें करो, मैंने गुरु जी के आदेश का सहस स्वीकार करते हुए मेरे मन में खुशी हुई कि ये मौका मुझे मिल रहा है और मुझे ये मौका कर देना चाहिए। मैंने तुरंत बिना किसी हिचक के अपनी धर्मपत्नी से बात किया, मेरी धर्मपत्नी भी जो है गुरु रविदास को मानने वाली है, मेरी माता जी अमृतसर की थी जो इस पंथ से जुड़ी, मेरे सारी शिक्षा जो है मेरी माता जी के देख रेख में और गुरु जी के जो मुझे मतलब होना वाणी सुनने को मिलती थी, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ। आगे जीवन में जब मैं MBBS करके दिल्ली में आया तो मेरे को एक ऐसे राज नहीं मिले जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता, पता नहीं, लेकिन मेरा समाज उसको भुला चुका है। जमंती कोठी में गया तो गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर देख करके छह कृष्ण बैनर पार्क में हैरान हो गया कि ये मंदिर कैसे राजनीति कोठी में कैसे है, जो कौन आदमी है जो गुरु रविदास को मानने वाला है, वो थे शिक्षक बाबू जगजीवन राम। वो शिक्षक थी भारतीय बाबू जगजीवन राम जो इस देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। मैं 25 तारीख को यहाँ पर आया, महाराज जी ने दिखाया और 25 तारीख को सुबह मैंने जनासू में 4 बजे उठ जाता हूँ, मुझे एक सपना आया, पता नहीं वो सपना था या क्या था, और मुझे जो कहूँ उनकी जो बात हुई मैंने उसमें 4 बजे उसके साथ लिख दी। सपने में क्या कह रहे हैं देखिएगा, बोला जो है ना बाबू जगराम गुरु रविदास जी के चरणों में बैठ के क्या कह रहे हैं, ये सपने में हर एक को नहीं आता। हो सकता है कि भाई मेरा लगाव झुकाव है, हो सकता है कि उन्होंने मतलब जो मुझे आशीर्वाद दिया हो कि मतलब जो है ना ये बात मतलब जो मैं कर रहा हूँ इस बात को मेरी जनता में पहुँचा देना। भूखा न सोए ऐसी कल्पना गुरु रविदास जी ने की, जहाँ कोई तक ये सोचता नहीं है कि मेरे समाज की चौमुखी तरक्की होनी चाहिए। वो कहे थे गुरु जी को चौमुखी मेरे समाज की उन्नति हो, ऐसी सोच जो बनाई थी उसी सोच और सपने को सच करने के लिए, समाज की दरिद्रता गरीबता और गरीबी को दूर करने के लिए जब मैं जिंदा था कई योजना बनाई थी, उन्हीं योजनाओं को लागू कर मैंने समाज की खूब सारी नौकरियां दिलाई, उसी दुविधा को दूर करने के लिए मैंने समाज को खूब सारी नौकरियां दिलाई थी, सरकार में जो भी विभाग दिया उसको खूब चमकाया था, गरीब समाज में सबको नौकरी देकर दुख दुर्दशा को मिटाया था। आज समाज ने लोगों के लिए कह रहे हैं, आज समाज ने मेहनत कर मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन समाज जहां मैं छोड़ के गया था वहीं खड़ा पाया है। कितना दुख है मुझे आज
कोई गंदी मिटाने नहीं आया है, बल्कि अपना घर भरने आया है। काश मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता तो इस देश की जमीन तुम्हारे नाम कर जाता, इस देश की जमीन तुम्हारे नाम कर जाता और पूरे भारत को ही बेगमपुरा शहर। बस यही सपना मेरे गुरु रविदास जी का था जिसको मैं पूरा करना चाहता था। आज मेरा समाज बार बार बट बट कर इधर उधर चीर चीर हो रहा है और मेरे प्रति दुष्प्रचार कर मेरी आत्मा को झकझोर। मेरा तो कभी कोई बाबा से मतभेद नहीं था, मैंने तो बाबा को खूब सम्मान दिया था। रक्षा मंत्री बनते ही सार मऊ ने बाबा का ऐतिहासिक स्थान बनाया था, बाबा साहब का भी ऐतिहासिक स्थान बनाया था। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे और बाबा को विरोधी बताया था, मैंने संविधान सभा में उनकी सही और समाधिक सलाह दे करके उनका मान बढ़ाया था। बाबा ने मुझे संविधान लागू करने में मदद मांगी थी, मैंने पूरा जोर लगाकर उनकी बात को कांग्रेस में मनवाया था। मेरी आत्मा अभी भी समाज से प्रार्थना कर रही है, भाइयों बहनों एक हो जाओ और समाज को मजबूत बना लो, अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होकर के खड़े होकर के लड़ लो, अपने आप को मजबूत बना लो, शिक्षा के लिए आगे बल बढ़ा लो। यही बात मैं डॉक्टर जगीर सिंह कुरथलवाला भी गली गली घूमते 17 सालों से तुम लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। पहचानो अपने आदमी को और शिक्षा का प्रचार बढ़ा लो, बच्चों को अपनी सही शिक्षा देकर के आगे बढ़ा लो। ये जो मेरा जो ना सपना, मुझे 4 बजे आया, कोई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात, लेकिन मैं अपने मन से मेरे को खुद को आंसू आ रही है अभी भी कि ऐसी आत्मा अभी भी इसमें विचर रही है कि ऐसी क्या बात थी बाबूजी के अंदर जो उनकी आत्मा आज भी ये कहती घूम रही है। हमें सोचना होगा, हमें इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और अपने सारे मतभेद भुला करके एक बार फिर से इकट्ठा होकर के अपनी एक शक्ति बनानी होगी और उस शक्ति के तहत ही हम जो गुरुजी बाग में निकल रहे हैं वो उसके उस झंडे के नीचे हमें मिलके चलना होगा और गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ाना होगा।